मुझे चोर नहीं है। आपसे किसने कहा ये बेटा? नानू कह रही थी, लेकिन वो चोर नहीं है। आपको पता है बक्स, उस दिन मेरा गार्डन में हेयरपिन गिर गया था, उसने मुझे वो भी दिया था। बक्स, मीरू चोर नहीं है। अच्छा मेरी जान, आप जाएं खेलने बाहर जाके, मामा भी बुलाती हैं आपको। उठो चल, ध्यान से जाना। अच्छा चल चल। वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो चोर है। मुझे भी नहीं लगता रामीन कि मीरू चोर हो सकती है। कि मैं क्या करूं, हालात बहुत अजीब है। क्या मतलब है, तुम कह रहे हो कि उसने ऐसा किया होगा? मुझे नहीं पता रामीन, मीरू भी गायब है, अम्मी जान का जेवर भी गायब है। ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है और नहीं भी। मजबूरन मुझे FIR काटनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करवानी होगी। पर इट्स ऑल सो स्ट्रेंज, वो क्यों करेगी कुछ ऐसा? तुम कहाँ थी उस वक्त? तो रहमा को लेके बाहर गई हुई थी, अम्मी जान और बाबा डिनर पे गए हुए थे। मतलब घर पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। मैं जब घर आई हूँ तो सीधा कमरे में आ गई, बाबू भाई भी घर पे नहीं थे। मैंने रहमा को सुला दिया चेंज करके, फिर मेरी भी आंख लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसने खुद मुझे गांव भेजा और उसके बाद वो गायब हो गई। Exactly, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। सारा वक्त वो मुझे यही कहती रही कि वली साहब आएंगे तो अम्मा बाबा का पता लगेगा कि कहाँ है। अब वो खुद गायब हो गई है। खैर ढूंढ तो मैं उसे लूंगा, छुप नहीं सकती मुझसे वो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ी बात है और वो बात हमारी नजरों से उछल है। पता लगवा लूंगा मैं, लगा लूंगा पता।